फैमिली वाले हैं तो मेरे जैसे मेरे चीजों हैं उन्होंने टीवी ऑफ़ कर दिया आवाज़ को मुझे लगता है कि किसी प्रेस की कोई मोहताज नहीं है इस लड़की के साथ ये हो मेरे साथ भी ये हुआ ओके फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड Um, praising about the song like I really loved it and uh, yeah experience was amazing in working with the B Brack song and Jani's lyrics so um, happiness is like just on peak though, of course and as you also can see that the experience very good and uh, I really enjoyed it uh, because there um, is uh, acting ka part nikal ke aata hai, if you you must have seen the song so um, and I uh, love to do these kind of characters only because in have you देखने को कुछ मिले कि दैट यू हैव डन समथिंग यू नो यू हैव अचीव समथिंग एंड व्हेन यू गेट मैसेजेस ऑफ पीपल लाइक यू हैव डन सच अ ग्रेट वर्क एंड तो फिर आपको बहुत खुशी मिलती है मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव जस्ट गिवन माई बेस्ट और उनकी आवाज़ को मुझे लगता है कि किसी प्रेज़ की कोई मोहताज नहीं है बिकॉज उनका अपनी एक ह्यूज फैन फॉलोइंग उनकी है और उस पर एक्टिंग करके मैंने उस सॉन्ग में तो मुझे लगता है कि वो और भी अच्छे से निखर के आया है क्योंकि आप एक जब एक एक सिंगिंग एक सुनते हो तो ऑफकोर्स आप सिर्फ उसको विजुलाइज़ करते हो विजुलाइज़ करते हो यू you नो know? आपके पास एक वो फोकस नहीं होता है कि आप किस चीज़ को लेकर उसको विजुलाइज करें क्योंकि गाने को सुन के आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो कि ये हुआ होगा वो हुआ होगा एंड and... और हर किसी को ये लगता है कि ये सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है यू you नो know? जो गाने की जो लिरिक्स हैं जो जो वर्डिंग्स हैं और जब एक वीडियो उसमें एड ऑन हो जाता है तो आप उसको विजुलाइज कर पाते हो एंड उसमें लोग जितने भी होते हैं वो सब ये रिलेट कर पाते हैं कि हाँ इस लड़की के साथ ये हो मेरे साथ भी ये हुआ यू you नो know? तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं जो लोग अपने आप से रिलेट करते हैं कॉर्स जब जैसे मैं जाने से मिली थी तो ही वज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सॉन्ग्स बिकॉज हिज वर्क एंड ही नो मी पहले से ही बिकॉज मैंने यार नहीं हार्डी संधू का सॉन्ग किया हुआ है ऑलरेडी पहले से तो एक वो सेम टीम है जैसे खेरा जानी हार्डी एंड बी ब्रैक पूरा टीम है तो उनके साथ पहले मैंने काम कर चुकी हूं फर्स्ट मीटिंग ही टेल मी द सॉन्ग सो ही की वी विल डू गुड थिंग्स ओनली

यस yes, uh, जैसे लोगों ने वीडियो देख लिया बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑन ट्रेंडिंग तो uh, right. सबसे पहले तो जैसे मेरी जो जो डाइटिशियन जो उन्होंने भी मुझे रात को कॉल किया तीन बजे रात को उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आई हैव क्राइड सो मच यू नो बेब और uh, मुझे मुझे तुम तुम मतलब बहुत अच्छा तुमने प्ले किया है इसमें और जो आपके फैमिली वाले हैं तो मेरे जैसे मेरे चीज़ों हैं उन्होंने टीवी ऑफ कर दिया बिकॉज दे डोंट वांट टू सी मी लाइक दैट यू नो दैट इट इज़ हैपनिंग विद मी तो बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा भी लगा बट आपकी फैमिली तो बहुत आपको लेके एक थोड़ी सी पजेसिव इमोशनल होती है ना तो वो आपको सिचुएशन में देखना नहीं चाहते तो घर की तरफ से या दे लव इट दे लव माई वर्क हैव डन विद बी एंड जानी एंड इट इज ऑन ट्रेंडिंग दे आर हैप्पी फॉर दैट बट द व्हिच विच बीन पोर्ट्रेड इन दैट इट वॉज वेरी सैड फॉर देम तो ऑफकोर्स आई वॉन्ट से दिस कम बैक बिकॉज इससे पहले भी मैंने अभी 2023 में मैं मतलब कपिल शर्मा शो में भी मैंने कुछ काम किया है और अभी ये दूसरा सॉन्ग किया है तो ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टीज तो हर चीज़ में होती है यार एंड हमें देखना है कि हम उसको किस तरीके से लेकर आगे जाते हैं सो या इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट आल्सो एट द सेम टाइम बिकॉज़ यू बिकम्स वेरी चूज़ी आपके पास काम आता है एंड आप कुछ चीज़ें छोड़ना भी नहीं चाहते हो बट सिचुएशन uh, को देख के कुछ चीज़ों को देख के आपको उन चीज़ों को नो करना पड़ता है और या वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू यू नो कम दिस फार बट या हाँ जी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे पहले आर्मी ऑफिसर बनना था और मेरा इस लाइन का तो दूर दूर तक कुछ था ही नहीं बहुत सारे लोग भी ऐसे बोलते हैं कि हाउ वी लैंडेड अप हियर यू नो इन दिस इंडस्ट्री वी डोंट इवन नो सो सेम यर दैट आई डेंट इवन नो दैट आई कम टू दिस इंडस्ट्री बिकॉज इन हरियाणा माई ड्रीम्स एंड माई पैशन वो समथिंग एल्स बिकॉज आई वॉन्टी टू सर्व कंट्री आई वॉन्टीड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर एंड फॉर देट आव डन थ्री ईयर्स ऑफ एन कोर्स ऑल्सो बट जस्ट बिकॉज ऑफ Family situation, and uh, there at that time my responsibilities were like something different, my priority was something different, so I couldn't do that, and I shifted to Delhi. एंड कम from अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड रूरल बैकग्राउंड यू नो एक थोड़ा सा हरियाणा के बारे में एक इमेज को लेके और एक जो उनका जो माइंड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा आके जैसे मैंने जॉब किया तो वो वो दिल्ली की है जो जर्नी वो बिल्कुल ही अलग रही है मेरे लिए बिकॉज वहाँ पर मुझे पता है कि मैंने कैसे सर्वाइव किया है अभी लोग बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट तो कर देते हैं कुछ पिक्चर्स को देख के ओ ऐसा तो ऐसे ही करोगी तो वैसे ही करूँगी मतलब कुछ ना कुछ गलत कमेंट्स आपको कर ही देते हैं बट दे डोंट नो द रियल स्टोरी बिहाइंड यू हाउ मच स्ट्रगल्ड हाउ मच थिंग्स यू हैव सीन इन योर लाइफ दे डोंट नो ब्रो एंड अब मुझे मुझे ऐसा लगता है कि उनको समझाना भी बहुत डिफिकल्ट uh, हो जाता है और मैं उन चीज़ों को गलत भी नहीं मानती बिकॉज दे डोंट नो अबाउट यू तो डिफ़िकल्टीज uh, हुई हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा फेस भी किया है और फ़ेस करते 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 ये टाइम आ गया है और अब कहीं ना कहीं आके मुझे ऐसा लगता है कि वर्थ वाइल है ये आ मुझे लगता है जयललिता वो बहुत 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 पावरफुल रही हैं और आ, मुझे जैसे सोनिया गांधी जी ने भी बहुत अच्छे से आ, काम किया है तो इंस्पिरेशन मैं ऐसा सच ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी बट या आई इंस्पायर बाय देम जो भी लड़कियाँ जैसे काम करती हैं तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन नहीं मिलती है चाहे वो किसी भी फील्ड में हो एंड अबाउट बायोपिक आई एम एन एक्टर एंड वट्स वेवर आई गेट आई एल जस्ट डू दोज थिंग्स तो देर इज़ नो चॉइसिस एंड दर इज नथिंग लाइक दैट ये तो होता है क्योंकि देखो फिल्मों का शूट आपका जो होता है वो एक से डेढ़ महीने में वन गो में आपका कंप्लीट हो जाता है और जो सीरियल्स होते हैं उसमें आपको जैसे मैंने किया था एक स्टार प्लस पे तो उसमें जैसे आपको ट्वेंटी फोर आवर्स भी देने पड़ सकते हैं आपको फोर्टी एट आवर्स भी देने पड़ सकते हैं उसमें आपके टाइम पीरियड की कोई लिमिट नहीं होती है मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि दस घंटे तो दस घंटे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप ही उसमें दिखने वाले हो और उनको उनके लिए एक फ़ुटेज देना होता है जैसे फोर्टी फाइव मिनट्स की या थर्टी मिनट्स की या एक घंटे की जो फुटेज आपको देनी होती है तो उनके दिमाग में बहुत प्रेशर होता है ऑफ कोर्स uh, uh, हर एक चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट होता है तो ये डिफरेंशिएट तो हम कर ही सकते हैं एंड ओ लाइक वेब सीरीज एंड फिल्म आई कैन सी दैट लाइक इट्स क्वाइट सिमिलर सो दिस इज द ओली डिफरेंस एक खतरों के खिलाड़ी मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि उसमें काक्रोचेज <laughs> और uh, मतलब क्रोकोडाइल्स वो सब पकड़ना होता है और वो जैसे मैंने पिछले जितने भी अपिसोड्स देखे हैं वो इतनी मतलब कुछ टास्क कर रहे होते हैं मक्खियाँ उनके मुंह में जा रही होती हैं आधी वो खाई जाती हैं वो सब बिकॉज आई एम वेजिटेरियन सो आई रियली कान डू दैट बट या इफ इट इज़ अबाउट बिग बॉस या फेट एन अपॉर्चुनिटी देन डेफिनेट दैट इज देयर बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम आई मीन टू डिस्कस अबाउट इट सास बहू और बेटियाँ अब लेकर आए हैं आपके लिए सास बहू और बेटियां के साथ साथ सास बहू और बेटियाँ एक्स्ट्रा जहाँ हम लेकर आएंगे आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट की टूर्स अब ऐसा क्या है एक्स्ट्रा यहाँ पर यहाँ तो हम कवर करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का हर कोना चाहे हो वो म्यूज़िक कोई न्यू लॉन्च फैशन या फिर एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते तो आप भी हमें फॉलो कीजिए एस बी बी एक्स्ट्रा पर और हां यहाँ हम नहीं मिस करेंगे आपके लिए कोई भी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज